नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशु पटेल। आप सभी जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं अभी बेंजो शॉप पे हूं, शुभम म्यूजिकल मेघा। तो शुभम म्यूजिकल मेघा में किस तरह का बेंजो मिलता है, कैसे आप परचेस कर सकते हैं और कैसे ये बेंजो बजता है, सब चीज़ आपको दिखाएंगे। इस बेंजो को बजा के भी आपको दिखाऊंगा, जो बेंजो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारा बेंजो है, अभी आपको सब बेंजो को एक एक करके बजा के दिखाऊंगा। इसका अलग अलग वीडियो भी मैं लाऊंगा। अगर आप बेंजो के शौकीन हैं, बेंजो परचेस करना चाहते हैं, तो मैं आपको डिटेल देता हूं कि बेंजो आप कैसे खरीद सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं दिखा दूं, यहां पे बहुत सारा बेंजो आपको दिख रहा होगा और नीचे में भी बेंजो जो रखा है, जिसको अभी मैं बजा रहा था। तो इस तरह का बेंजो आपको यहाँ पर मिलता है और इसको आप कैसे परचेस कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ में जो शुभम म्यूजिकल है वो मेघा में स्थित है, मेघा गांव में है, और उसका नंबर जो है अभी आपको टाइटल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हो सके तो वीडियो के स्क्रीन पे भी मैं आपको उसका नंबर दे दूंगा, तो आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो पहले कॉल करके ही आइए, क्योंकि दुकान बहुत भीड़ रहता है। अगर आप आते हैं तो आपका काम नहीं होगा तो दिक्कत है, तो पहले आप कॉल कर लीजिए उसके बाद आइए। तो शुभम म्यूजिकल मेघा जो है धमतरी जिले में है, मेघा एक गाँव है, शुभम म्यूजिकल इस दुकान का नाम है, और ये मेघा गांव में है, और मेघा जो है धमतरी जिले के अंतर्गत आता है। अगर आप धमतरी से आते हैं तो पहले धमतरी से कुरुद आना होगा, कुरुद के बाद आपको मेघा के लिए रास्ता मिल जाएगा। अगर आप रायपुर से आते हैं तो रायपुर से अभनपुर आइए, अभनपुर से कुरुद, कुरुद से मेघा। तो इस तरह आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं और अपने मनपसंद का बेंजो आप देख सकते हैं। बेंजो का क्या क्या प्राइस है इसको भी हम आपको बताते हैं। फिलहाल अभी जो बेंजो आप देख रहे हैं, इसमें से कुछ बेंजो को जो मैं बजा के दिखाऊंगा उसको वीडियो में यहाँ पे डाल दूंगा, मेंशन कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बेंजो को बारीकी से दिखाता हूँ, समझाता हूँ बेंजो कैसे कैसे है। तो अभी आप ये जो बेंजो देख पा रहे हैं, बिल्कुल ही शानदार लुकिंग के साथ, आपको देखने में ही लग रहा होगा इसका लुकिंग काफ़ी शानदार है, ठीक है। अगर आपको इसको चमकने वाला यानी कि आईना जैसे दिखने वाला अगर आपको बनवाना है तो उसका भी यहाँ पे है, ठीक है। इसको एक्रोलिक सीट बोलते हैं, और भी एक्रोलिक सीट और बहुत आता है इसमें, अलग अलग प्रकार का आता है, जैसे कि ये थोड़ा कम चमकदार है, ये थोड़ा ज़्यादा चमकदार है, वो थोड़ा मीडियम है, ऐसे। तो जैसे भी आपको बनवाना हो यहाँ पे बेंजो आपके लिए बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पेंटिंग हुआ बेंजो है, ये पेंटिंग हुआ है, ठीक है। इसमें फॉर्माइका लगा हुआ है, एक्रोलिक सीट, और इसको हम बोल सकते हैं चमकने वाला सनमाइका, ठीक है। तो आप जैसे भी बनवाना चाहते हैं आप बेंजो बनवा सकते हैं। अभी देखिए जो गोल्डन कलर का बेंजो है, काफ़ी शानदार लुकिंग के साथ आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे अगर आप कोई भी बेंजो बनवाना चाहते हैं आप बनवा सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टाइटल में जो नंबर दिया है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का बेंजो चाहिए लकड़ी बटन वाला, तो आप ये वाला भी बेंजो बनवा सकते हैं। ये वाला बेंजो का कई जने को बजाने का शौक रहता है, तो ये वाला बेंजो भी आप बना सकते हैं। अभी इस सब का रेट जानने का आपका मन कर रहा होगा, तो प्राइस के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसका डिब्बा भी आपको दिखा दें। ये जो बेंजो है यहाँ पे आप डिब्बा देख रहे हैं, तो इसका ऐसे ऐसे रहता है कि आप प्रोफेशनल डिब्बा में अगर बेंजो खरीदते हैं तो थोड़ा रेट ज़्यादा लगता है। और यहाँ पर अगर आपको दिखाएं एक चीज़ और, इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बेस तार दो है और मेन तार एक है, झाला चार, ठीक है। तो ये जो है अलग ही रेट का आएगा, और इसमें आप देख रहे हैं ये जो बेस तार और मेन तार, ये खाली दो ही तार है, यानी कि एक बेस है एक मेन, यहाँ पे दो बेस है और एक मेन। तो ये बेंजो का रेट अलग रहेगा, ये बेंजो का रेट अलग रहेगा, ठीक है। तो जिस तरह से आप बनवाएंगे, जैसे क्वालिटी का बनवाएंगे, उसके हिसाब से आपको रेट पड़ेगा। अभी अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए इन बेंजोस के बारे में, तो आप जो मैं नंबर दिया हूँ टाइटल पे, उस नंबर पे कॉल करें, दुकान का नंबर है, ज़्यादा जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह का बेंजो अगर आपको बनवाना है तो आप जो नंबर मैं दिया हूँ टाइटल में, उस नंबर पे कॉल कीजिए और जानकारी ले सकते हैं। ये जो बेंजो आप देख रहे हैं, सारे बेंजो अवेलेबल है, कोई भी अभी मतलब ऑर्डर पे नहीं है। तो जो बेंजो अगर आपको चाहिए उस बेंजो को आप बुक कर सकते हैं, और अगर आपको ऑर्डर पे बनवाना है तो आप ऑर्डर दे करके भी बेंजो बनवा सकते हैं। चलिए आपको बेंजो को थोड़ा सा बजा के दिखाते हैं।
तो इस बेंजो को आप पास से देख पा रहे हैं, इस प्रकार से ये बेंजो है, ठीक है। इसमें जैसे कि आप सबको मैं दिखाया, झाला में चार तार लगे हुए हैं जो कि इस तरह से बजते हैं। काफी ही सुंदर, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम बटन आपको दिया है, जेक लगाने का जो जेक पिन है वो इधर दिया हुआ है, पीछे साइड आप जेक लगा सकते हैं। इसका डिब्बा भी काफी शानदार लुकिंग के साथ आपको मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दूं, बेस तार जो है, दो बेस तार यहाँ पे मिलता है, 5 नंबर का, 3 नंबर का, और मेन तार यहाँ पे लगा है। इसमें स्वर मंडल भी आपको मिल जाते हैं, और इसका जो लुकिंग है वो आप देख पा रहे हैं, काफी शानदार लुकिंग के साथ फोरमाइका में ये बेंजो बना है, व्हाइट कलर के लुकिंग के साथ, और व्हाइट और ब्लैक कलर का मैचिंग जो है काफी शानदार लग रहा है। यहाँ पे चाबी अगर हम देखें तो काफी मजबूत वाला एल्युमिनियम चाबी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। डब्बा में लॉकर सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, और आप देख के ही अंदाजा लगा पा रहे हैं, इसका आवाज सुन के अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये बेंजो कितना काफी शानदार है, ठीक है। बजने से भी आपको पता चला होगा, और हम यहाँ पे कोई भी डीले वीले का यूज नहीं किए हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं, देखिए ये जो जेक है सीधा जाके लगा है वहां पे, ठीक है, स्ट्रेंजर के क्यूब बॉक्स पे। बीच में यहाँ पे कोई भी डीले नहीं लगा है, ठीक है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। अभी हमारे पास और भी काफी सारे बेंजो हैं यहाँ पे, जिसको हम आपको बजा के दिखाएंगे। इस बेंजो के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइटल में जो नंबर आ रहा है वो दुकान का नंबर है, आप उसमें कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।